अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी व्यूअर्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं यहाँ छत पर हूँ और बहुत तेज़ जो है बारिश हो रही है। ये पेशेंट गोई थी, दो तीन दिन पहले से कहा जा रहा था, न्यूज़ चैनल्स में भी आ रहा था कि 6 तारीख से 8 तक जो है बहुत शदीद बारिश होगी। और इस वक्त जो है बारिश स्टार्ट हो चुकी है। सुबह से बहुत ज़्यादा एक अजीब सी गर्मी सी थी, एक हब्स था, घुटन सी थी, तो ये इस बात का पता दे रही थी कि जो है बारिश बहुत तेज़ होने वाली है। और अब जो है बहुत तेज़ बारिश हो रही है। देखिए आप, एरोप्लेन जो है वो जा रहा है, ये देखें कितनी खूबसूरत बारिश है। माशाल्लाह इतना खूबसूरत मौसम है यहाँ छत पर। और थोड़ा सा मैं एहतियात भी कर रही हूँ कि मेरा जो मोबाइल है वो बारिश में ख़राब ना हो जाए, तो काफ़ी डांट सुन के मैं ऊपर आई हूँ। लेकिन ये है कि बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं मौसम को। आसमान बहुत बादलों से भरा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि बारिश जो है वो लगातार ही होती रहेगी। बहुत सारे लोग जो अपनी छतों पर इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और जाहिर सी बात है कि बारिश अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है कि जो एक अजीब सी खुशी देती है, एक अजीब सा सुकून जो है बारिश में जब आप होते हैं तो आपको एक अजीब सा सुकून सा महसूस होता है। अल्लाह ताला की हर एक नेमत जो है वो काबिल शुक्र है कि उसका शुक्र अदा किया जाए जितना भी कम है। लेकिन बारिश जो है वो तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसी नेमत है जिसका कि हम स्पेशली कराची वाले जो बहुत इंतज़ार करते हैं, क्योंकि कराची में नॉर्मली इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं होती हैं। लेकिन इस साल अल्लाह का बहुत करम है कि काफ़ी बारिश हुई है। और आज देखें ये जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है कितने दिन जो है ये रुकता है और कब ख़त्म होता है। बहरहाल जितने दिन भी होगा हम इंजॉय करेंगे। थोड़ा सा जो है हाल ख़राब हो जाता है हमारे जो शहर का कचरे की जो सूरत हाल है उसकी वजह से। और इसके वजह से के नाले जो हैं, नदी नाले वो सारे भरे होते हैं, तो सफाई का बहुत ज़्यादा यहाँ पर फुकदान है, तो शायद इस वजह से। लेकिन अभी जो है चैनल पे ये दिखा रहे थे कि फौज जो है वो नालों की सफाई वगैरह करवा रही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस मरतबा सूरत हाल जो वो इतनी ज़्यादा अबतर नहीं होगी और इस पर काबू पा लिया जाएगा। वरना जो है यहाँ अगर ज़रा सी भी बारिश होती है कराची में तो यकीन करें कि घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोड जो हैं, सड़कें तालाब बन चुकी होती हैं। और इवन आप ये सोचें कि आप कश्ती ले कर अगर निकलें तो ही आप जो है वो पार कर सकते हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि किस हद तक यहाँ की सिचुएशन वर्स्ट होती है। तो देखें क्या होता है। अभी पिछली दफ़ा बारिश हुई तो मैं अपनी मम्मी के घर से वापसी आ रही थी अपने घर, और बाकी फैमिली थी सिस्टर की बच्चे के साथ। तो यकीन करें कि इतना ज़्यादा हाल बुरा था कराची का कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है, आप मेरे चैनल पे वो देख सकते हैं, हैवी रेन इन कराची। तो अब जो है ये तो उससे भी ज़्यादा शदीद बारिश हो रही है। अब देखें क्या होता है, क्या बनता है, सूरत हाल जो भी होगी वो बहरहाल सामने आ जाएगी। अभी देखें मौसम कैसा हो रहा है, कितनी खूबसूरत बारिश है, लोग छतों पे इंजॉय कर ले और बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत खुश हो रही हूँ मैं। वैसे भी पर्सनली मुझे ना बारिश में बहुत मज़ा आता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। लेकिन इस वक्त जो है मुझे अकेले ही इंजॉय करना पड़ रहा है। चलें बहरहाल ये तो ज़िंदगी का जो है एक सिलसिला है, चलता रहता है किसी न किसी तरह से, उसमें चेंजेस तो आती रहती हैं। एनीवेज बहुत ज़्यादा मैं इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पर छत पर। और बारिश जो है वो अपने तवातुर से जारी है। आई थिंक ये सिलसिला अब चलता ही रहेगा। लेकिन चलें, जब तक मैं यहाँ छत पर हूँ तब तक तो इंजॉय करते आए। मैं आपको छत की भी ज़रा सी ये वीडियो शेयर करूँ। मोबाइल पे पानी आ रहा है, थोड़ा सा मुझे केयरफुल होना पड़ेगा। हाँ जी, ये देखें दोबारा ज़रा तेज़ हो गई है बारिश। ये देख सकते हैं कितनी शानदार बारिश हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखना, तो
स्पेशली बारिश की जो आवाज़ होती है, बारिश के कतरे जब गिर रहे होते हैं और उसकी जो आवाज़ होती है, यकीन करें तो मुझे इतनी पसंद है कि मैं कहती हूँ कि बस म्यूज़िक जो है बाकी हो, इसके आगे कुछ भी नहीं है। इतनी खूबसूरत रिदम होती है इसमें कि आप लिटरली इसको इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी सी बारिश जो है अब हल्की हुई है। ये देखें पौधे जो हैं वो भी खुशी से सरसब्ज हो गए हैं, इनके 12 लीटर को भी पानी की ज़रूरत है। और अभी सुबह ही मैं इनको पानी डाल के गई थी गमलों में। और ये ग्लोई का प्लांट है और ग्लोई से रिलेटेड भी मेरी एक वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, डेंगू का इलाज ग्लोई प्लांट के नाम से, आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये प्लांट उसी वक्त जब लेकर आए थे तो इसको मैंने यहाँ गमले में लगा दिया था। और आप देखिए माशाल्लाह अच्छा ग्रो कर रही है। ये कटिंग लेकर आए थे मेरे हस्बैंड कहीं से, तो उसके बाद इसको मैंने ज़ाया नहीं किया और इसको मैंने इस तरह से प्लांट कर लिया। तो माशाल्लाह से इसकी अच्छी ग्रोथ है वो हो रही है। बारिश थोड़ी सी कम हो गई है और थोड़ा सा आसमान भी साफ थोड़ा नज़र आ रहा है, बादल तो हैं। उम्मीद है कि और भी बारिश होती रहेगी। आपको थोड़ा आसमान का व्यू दिखाती हूँ। ये देखें कितने बादल हैं आसमान पे कि तकरीबन अब बादल नज़र ही नहीं आ रहे और ऐसा लग रहा है कि ये आसमान ही है ब्लैक सा पूरा, लेकिन असल में तो ये बादल हैं, बारिश बरसाने वाले बादल। और जब तक भी ये रहेंगे बारिश होती रहेगी। तो जनाब मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है, मैं मज़ीद रिस्क नहीं ले सकती अपने मोबाइल को, ज़रा मुझे सेफ भी करना है। तो बाकी तो मैं इन्जॉय करती रहूँगी लेकिन आपके लिए बस इतना ही। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना तो ज़रूर याद रखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ऑल पे, ताकि जो भी मेरा नोटिफिकेशन हो न्यू वीडियोस का वो आप तक पहुंचता रहे। तो दो में याद रखिएगा और आप भी प्लीज़ को इन्जॉय करें। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।